Mayday, mayday, emergency, emergency. Mayday, mayday. सभी यात्री ध्यान दें। अब हम आपको दूसरे ट्रेन पर पहुंचाने वाले हैं। जरूरी सामान साथ लें। गर्म कपड़े पहन लें। अगर आपके पास कोई क्रीम या जेल है तो उसे अपने हाथों पर और चेहरे पर लगा लें। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीछे हटिए, संभल कर। पीछे हटिए, पीछे हटिए। हमारे पास प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह पीछे हटिए, पीछे 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 हटिए। और इस रियल लाइफ घटना के बीच संबंध क्यों बताया जा रहा है अजय देवगन को इस रोल के लिए बेस्ट चॉइस। स्वागत है आपका बॉल गर्ल स्टूडियोज में, मैं हूं पूनम। बॉलीवुड के सिंघम की नई फिल्म बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिषेक दुधिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने हमें अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, नूरा फतेह, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति सुभाष, शरद केलकर जैसे कई दिग्गज अभिनेताओं की एक्टिंग के जलवे देखने को मिलेंगे। बता दें कि अजय और अभिषेक की इस जोड़ी का कमाल हम पहले ही फिल्म दे दे प्यार दे और तान्हाजी में देख चुके हैं। जैसे कि आप फिल्म के टाइटल से ही समझ सकते हैं, इस फिल्म में हमें भारतीय के किसी कीर्तिमान की कहानी दिखाई जाएगी और पोस्टर से ये समझ आ सकता है कि इसमें एयरफोर्स की ही कहानी का दिखाई जाने वाली है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इस फिल्म में अजय स्क्वाडन लीडर विजय कार्ने की भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो आखिर शौर्य की कौन सी कहानी थी जिसने निर्देशकों को इस पर फिल्म बनाने पर विवश कर दिया? आज हम IAF विजय की इसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों अजय ही इस किरदार के लिए बेस्ट चॉइस है। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बात 1971 के इंडो पाक वॉर के समय की है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए हमले की शुरुआत की। भारत ने तुरंत जंग का ऐलान करते हुए 4 दिसंबर से पूरी मुस्तैदी से जवाब देना शुरू किया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगवाला की लड़ाई भी लड़ी गई थी। इस दौरान सबसे बड़ा हमला भारत ने पाकिस्तान के कराची पर किया। भारतीय वायुसेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए कराची पोर्ट के बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया। करीब 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आर्मी मुक्ति वाहिनी ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश आजाद हो गया। इस पूरे युद्ध में भारतीय वायुसेना ने उच्च दर्जे के कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। वैसे तो दुश्मनों को धूल चटाने के कई गौरवनतम पले हैं हमारे जाबाज एयरमैन से मिले हैं और ऐसे ही एक गथा 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में भी देखी गई। हम बात कर रहे हैं 1971 में एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्ने की और उस शौर्य गाथा की जिसने अपनी बहादुरी और मुश्तैदी से उन्होंने पाकिस्तान में उनके मंसूबे में कामयाब होने से रोक दिया। 1971 में दिसंबर महीने में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान की आर्मी को लगभग खदेड़ दिया था। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी एयरफील्ड का निशाना लगाया। इस समय स्क्वाडन लीडर विजय कार्ने गुजरात के भुज एयरपोर्ट पर इंचार्ज थे। पाक आर्मी ने वहां बमबारी शुरू कर दी। इस हवाई हमले में एयरबेस पर भारी नुकसान पहुंचा पर कार्ने ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने किसी भी सूरत में एयरबेस को ऑपरेशन रखने का फैसला लिया। बमबारी की वजह से एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस ऑपरेशन रखना बीते इतने वक्त के साथ और मुश्किलें होते जा रहा था। इसे ऑपरेशनल रखना बीते कुछ वक्त के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा था लेकिन कार्ने ने वहां आसपास के गांव की 300 महिलाओं को एकजुट किया और उन्हें एयरबेस को फिर से निर्मित करने का फैसला लिया ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट की वहां लैंडिंग कराई जा सके। उन्होंने इस दौरान 2 अफसर, 50 एयरफोर्स जवान और 7 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम किया जिसके चलते पाकिस्तानी बमबारी के बाद भी यह एयरफोर्स ऑपरेशनल रह सका। इस घटना को भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट के दौर पर भी जाना जाता है। तो यह थी पूरी कहानी
कहानी अब इस फिल्म में कैसे पेश किया जाएगा यह देखना जरूर दिलचस्प होने वाला है। मेकर भूषण कुमार ने एक बयान में कहा कि अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में मेन लीड कोई नहीं कर सकता, ये किरदार उन पर सबसे अधिक जंचेगा। वहीं अब विंग कमांडर कार्निक से उन पर ये बन रही इस फिल्म में विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे इससे बहुत खुश है। इस घटना के समय अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते उन्होंने कहा कि हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे, अगर वहां मौजूद एक भी महिला की मौत होती तो उसका जिम्मेदार मैं होता, फिर भी मैंने फैसला लिया और यह काम कर लिया। उस दौरान मैंने उन्हें पूरी तरह से समझा रखा था कि बमबारी हुई तो कहां छिपना है और उन सब ने भी बड़ी बहादुरी से मेरा साथ दिया। सोचिए जब ये रियल लाइफ कहानी इतने थ्रिल से भरी हुई है तो बड़े पर्दे पर सभी एडिशनल इफेक्ट्स के साथ इस कहानी कितनी रोमांचक होने वाली है। आशा है कि मेकर्स हमें निराश नहीं करेंगे। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिल्मों की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।